आपके साथ आलोक, आप देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट खबरों का बुलेटिन न्यूज अपडेट। चुनाव यूपी में है लेकिन उसकी रणनीति दिल्ली में चल रही है। जी हां, बीजेपी की आपको बता दें कि टॉप लीडरशिप ने यूपी चुनाव की कमान अब अपने हाथ में ले ली है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं के एक एक क्षेत्र की अलग अलग जिम्मेदारियां मिली हैं। जिसके पास जो क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी उसी के पास है। पूरी रिपोर्ट देखिए। बना दी गई है और नीचे तक लोग जाएंगे। सबसे अच्छा है कि नीचे तक जाएंगे, इस पर विधिवत चर्चा करेंगे और गांव-गांव स्तर का लोगों का सुझाव लेकर एक विराट स्वरूप उसको दिया जाएगा। मेन मुद्दा है गरीबों का कल्याण, गरीबों का विकास और एक ईमानदार नेतृत्व। आदरणीय मोदी जी, योगी जी, एक नेतृत्व हमारे पास ईमानदार और कार्यकर्ताओं के दम पर। चुनाव टिकटों की बात आपकी, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में जनता के बीच में लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में उसकी स्वीकारता और संगठन के प्रति समर्पण, ये तीनों को देखते हुए संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। बीजेपी इस बार यूपी में फिर से बंपर जीत की तैयारी में जुटी है। बीजेपी लीडरशिप को यकीन है कि इस बार फिर से बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए बीजेपी को भी अभी से ग्राउंड जीरो से तैयारी करनी होगी। और शायद यही वजह है कि बीजेपी आलाकमान ने यूपी में अपने सबसे बड़े चेहरों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी सौंपी है। अमित शाह ब्रज क्षेत्र देखेंगे, जेपी नड्डा गोरखपुर कानपुर देखेंगे, राजनाथ सिंह अवध काशी देखेंगे। फिलहाल बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतिहास दोहराने की तैयारी में है और बीजेपी को भरोसा भी है कि वो फिर से यूपी में सरकार बनाएगी। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने जनता से मिलना और रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। अगर जनता फिर से भरोसा जताती है तो बीजेपी यूपी में इतिहास दोहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।